आ चुके हैं जय गुरुदेव टेम्पल, ये हमारा सेकंड स्पॉट है। उससे पहले मैं मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में गई थी और मैंने उसका ट्रैवल ब्लॉग डाल दिया है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मुझे उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सेकंड स्पॉट जय गुरुदेव मंदिर में। एक्चुअली ये मंदिर मथुरा में आगरा और दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है और ये जय गुरुदेव जी का आश्रम जो है लगभग 150 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। और ये इसके जो अनुयायी हैं पूरे देश विदेश में 20 करोड़ से भी अधिक इसके अनुयायी हैं। और इनका मेन मकसद जो है इस मंदिर का, यहाँ के लोगों का, कि व्यक्ति समाज और राष्ट्र को सुधारने का संकल्प। और इस तरीके से ये मंदिर बहुत ही फेमस है। और उसके बाद इसको मथुरा का ताजमहल भी कहा जाता है। तो चलिए मैं पूरा अंदर आपको विजिट करके दिखा देती हूँ। ये मंदिर मेनली जो बाबा जय गुरुदेव जी का मंदिर है उसे योग साधना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये श्री घोरलाल जी महाराज की पुण्य स्मृति में इसको 160 फीट ऊंचा ये मंदिर बनाया गया है। और ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, इसलिए इसको ताजमहल जैसा ही प्रतीत होता है, इसलिए इसको ताजमहल भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है ये 200 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा इसमें सत्संग हॉल है और जिसमें कि लगभग 60,000 व्यक्ति एक साथ बैठ जाते हैं। इस मंदिर के अंदर एक हॉल है, अभी हम चलेंगे अंदर। और इस मंदिर की जो ताज की ऊंचाई है वो भी 21 फुट 6 इंच और व्यास भी इसका 6 फुट है। इस ताज में कुल 11 खंड है जिसमें से एक एक के ऊपर एक छोटे बड़े कलश, 6 कलश ऐसे रखे हुए हैं और गुंबद पर एक कमल का फूल भी रखा हुआ है। तो चलिए हम अभी, इसके अंदर एक गुफा द्वार है, हम उधर भी अभी चलते हैं। बाकी का मैं ये बाहर का विज़िट आपको पूरा करा दे रही हूँ और अभी हम चलते हैं गुफा द्वार में। तो ये अंदर गुफा द्वार है इसके, और इस गुफा द्वार के अंदर में भी वही बाबा जी के, घोरलाल जी की स्मृति लगी हुई है इसके अंदर, जहाँ पे भी बहुत सारे स्पेशियस जगह हैं पूरा बैठने के लिए, योग साधना के लिए। और ये लाइटिंग वगैरह इसकी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी, ये आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। ये बहुत ही स्पेशियस जगह थी और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेनली ये गुफा द्वार जो है अंदर की तरफ है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर तो सनलाइट नहीं आ पाती है, तो इसलिए इसको पूरा लाइटिंग से बहुत ही अच्छा बनाया गया है जिसमें कि इसमें प्रॉपर लाइटिंग रहे। तो आप देख सकते हैं ये पूरा इसका व्यू है जो कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो चलिए मैं बाहर की तरफ अभी चल के आपको और बाकी का व्यूज़ दिखाती हूँ। तो आप ये पूरा बाहर का भी व्यू देख सकते हैं। एक्चुअली जो जय गुरुदेव जी थे उनका मेनली एम यही है कि सभी लोग शाकाहारी रहें और पशु पक्षी की हत्या ना करें, बाकी चीज़ें इनके मंदिर का मेन एम यही है। और बाकी इनके मंदिर में बहुत सारे निःशुल्क शिक्षण संस्थाएं भी चलाई जा रही हैं इनके मंदिर और आश्रम की तरफ से, बहुत सारे अस्पताल आदि भी चलाए जा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं अभी हम चलते हैं, ये मेन इसका मुख्य मंदिर है जो जिसके के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये इतना स्पेसियस बनाया गया कि यहाँ 60,000 से भी ज़्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये बाबा जी का मेन मंदिर है जहाँ पे श्री घोरलाल जी की स्मृति रखी हुई है अंदर। तो ये पूरा अंदर का व्यू है, आप देख लीजिए ये घोरलाल की स्मृति रखी हुई। तो दोस्तों, ये था जय गुरुदेव का ट्रैवल ब्लॉग। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो मथुरा का ट्रैवल ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इसको लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका वीडियो डाल देती हूँ। तो चलिए जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बी क्रिएटिव एंड बी हैप्पी। बाय।